world and all will be lost. So make this world a better place to live in by seeking guidance from Quran. We achieve this by organizing so many curriculum activities time to time in our school under the supervision of the experienced staff and the other faculty members. As we cannot deny the importance of the technology in this modern era, so I would like to call upon the stage Mr. Zamar for giving the presentation various videos on the robotics, that is the need of the 21st century, and we want our children to be fully equipped with this. Mr. Zamar, please give him a big hand. Assalamu alaikum. First of all, I will introduce myself. My name is Zaman Shahab. I am an engineer from NED University. अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे आज की जो वफास आज के लिए महफिल सजाएगी, और हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है हमें इस महफिल में जहाँ पर ये वफास की दस्तार बनी की महफिल माशाल्लाह। आज का मेरे हमारे यहाँ पे आने का मकसद अबाउट स्टेम एजुकेशन है। स्टेम एजुकेशन स्टैंड्स फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। स्टेम एजुकेशन असल में प्रैक्टिकल लर्निंग एजुकेशन सिस्टम का नाम है, जिसमें हम लोग जो तालीम दे रहे होते हैं उसको प्रैक्टिकली हर चीज़ को समझाने को इसको स्टेम एजुकेशन कहते हैं, कि जिसमें स्टूडेंट सिर्फ किताबों तक महदूद ना रहे बल्कि उसको तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो प्रैक्टिकली शो हो रहे हो। तो ये स्टेम एजुकेशन जो है ये यहाँ इस स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया है, और क्या कहते हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इसमें एक और नई चीज़ स्टेम एजुकेशन में इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि रोबोटिक्स है। ये तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स जो स्कूलिंग कर रहे हैं उनके लिए भी है और हफास के लिए भी है। अच्छा, रोबोटिक्स जो है वो स्टेम एजुकेशन में इसलिए लाया करता है कि इसमें हमारे तमाम साइंस के कॉन्सेप्ट्स, तमाम टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही होती है, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के तमाम कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस क्लासेस में हमारा तरीक़ेकार क्या होगा क्लासेस लेने का स्टूडेंट्स का। ये जो स्टूडेंट्स की कैटेगरी है ये दो में डिवाइडेड है, कैटेगरी वन है, कैटेगरी टू है। कैटेगरी वन जो है वो छोटे एज ग्रुप के लिए, और कैटेगरी टू जो है वो थोड़े बड़े एज ग्रुप के लिए। अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप्स हमने इन दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए है उनकी डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से। अच्छा, जो तरीक़ेकार होगा क्लास लेने का वो इस तरह होगा कि 45 मिनट और एक आगे क्लास होगी, जिसमें हम लोग आके अपनी तमाम रोबोटिक्स की किट्स फराहम करेंगे स्टूडेंट्स को, टैब्स या कंप्यूटर्स फराहम करेंगे, और उनको पहले रोबोट्स की कंस्ट्रक्शन सिखाएंगे, कंस्ट्रक्शन करवाएंगे स्टेप्स दिखा के, और फिर उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग करवाएंगे कि किस तरह इस रोबोट को चलाना है। प्रोग्रामिंग इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द रोबोट कि उस रोबोट को किस तरह वर्क करना है, किस तरह चलना है। ये हमारा बेसिक एक तरीक़ेकार होगा टोटली प्रैक्टिकली कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को हम इन कर रहे हैं स्टूडेंट्स में। अच्छा, इस चीज़ की जो फ़ायदे हैं स्टूडेंट्स लेवल पे वो बेसिकली ये तो है कि वो इस नई टेक्नोलॉजी में इन होंगे, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा कि आज इस दुनिया में इस दौर में क्या चल रहा है। मुख्तलिफ बड़े स्कूल्स हैं जो कि इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो सर यूनिवर्सिटी कहने पर हम लोग ने इस स्कूल में भी इस चीज़ को
इंट्रोड्यूस किए हैं। हम लोग एक टीम है इंजीनियर्स की, जिसमें मेरे साथ आसान है और भी इंजीनियर्स हैं, जिसमें हम लोग जो है वो ये रोबोटिक्स की ट्रेनिंग्स देते हैं। अच्छा, इसका बेसिकली जो फ़ायदा है वो स्टूडेंट्स को सिर्फ रोबोट बना के चलाने का नहीं है। इससे असल में जब स्टूडेंट्स रोबोट्स बनाते हैं तो उनकी मेंटल ग्रूमिंग होती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंस होती है। कि जब स्टूडेंट को एक रोबोट कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाया जाता है, कंस्ट्रक्शन के बाद उसको कहा जाता है कि अब आपका ये टास्क है कि इस रोबोट को चलाना है और उस पर आप प्रोग्रामिंग करो। हमने उनको प्रोग्रामिंग ब्लॉक समझा दिए जाते हैं, इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा, वरना मैं आपको कुछ एक से दिखाता कि प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक प्रोग्रामिंग में हम उनको सिखा देते हैं कि किस तरह से एक, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उस गाड़ी को किस तरह स्ट्रेट चलाने और टर्न करवाने। जब उनको ब्लॉक्स बता दिए कि इस तरह टर्न कराने, इस तरह स्ट्रेट चलाने, फिर उनको टास्क दिया जाता है। टास्क दिया जाता है कि इसको इस तरह चलाएं, यू टर्न ले इसके, और स्टूडेंट जो है वो सोचना शुरू करते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग किस तरह होगी। वो आउट ऑफ द बॉक्स जाना शुरू करते हैं, वो किताबों की हद तक महदूद नहीं रहता। अब वो अपने दिमाग को चलाना शुरू करते हैं कि किस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, किस तरह से ऐसे प्रोग्राम, ऐसे ब्लॉक्स, ऐसे कोड्स डेवलप करने कि जिससे मेरी गाड़ी यूं करके यू टर्न ले लें पूरी। वो एक बार गलत करते हैं, फिर उसकी ट्रैवल शूटिंग करते हैं, फिर दोबारा करते हैं। ये चीज़ें उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को ये कराने का मकसद ये नहीं होता कि ये इंजीनियरिंग साइड पे चले जाएं या ये किसी टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएं या आईटी फील्ड में चले जाएं। इस लेवल पे स्टूडेंट्स को ये कराने का मकसद ये होता है कि ये छोटे स्टूडेंट्स हैं, ये एज है इनकी मेंटल ग्रोथ की। इस एज में अगर इनको सोचने समझने की डायरेक्शन दे दी जाए, जब प्रोग्रामिंग होती है उसमें स्टूडेंट जब आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा होता है और सोचने की कोशिश करते हैं, नई नई चीज़ें किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है इसकी कोशिश करते हैं, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, उसको सोचने का तरीक़ेकार आता है कि जब मैं एक चीज़ में फंस जाऊँ तो मुझे इसमें से निकलना कैसे है। जब मैं किसी कोई चीज़, मुझे कोई टास्क दे दिया जाए तो इसको परफॉर्म किस तरह करना है। जब ये क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट की बढ़ती है तो वो फिर उसके बाद वो किसी भी फील्ड में चले जाए, किसी भी मैदान में चले जाए, तो वो उसमें सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि उसको सोचने का तरीक़ेकार आता है। अफवाम जो है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसमें स्टूडेंट्स की इसी तरह मेंटल ग्रोथ की जाती है कि उनको सोचने समझने की सलाहियत दी जाती है, उनको डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको सोचना कैसे है। जब ये चीज़ें स्टूडेंट्स को दी जाती है इस लेवल पर, तो फिर वो किसी भी मैदान में जाए, वो चाहे मेडिकल साइड पर जाए, वो चाहे बिजनेस साइड पर जाए, वो किसी भी साइड पर जाए, तो उनको इस चीज़ में हेल्प होती है कि उनको सोचने समझने की सलाहियत आती है। तो इसीलिए रोबोटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने अभी एक विंटर कैंप भी करवाया था, जिसमें हम लोग ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करवाए और स्टूडेंट्स का जो है वो ऑल कराची तमाम स्टूडेंट लेवल पे था, तो बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। स्टूडेंट्स जो है वो बहुत खुश हुए इससे, और तो मैं तमाम पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि अपने स्टूडेंट्स को इसके लिए मोटिवेट करें, और आप लोग भी, बल्कि स्टूडेंट्स जो है वो जब रोबोटिक्स क्लास लेंगे तो वो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इसमें ही एक्सेल करने दें। तो इंशाल्लाह इस चीज़ का सफ़र का आगाज़ जो है वो कुछ अरसे भी हो जाएगा, और नेक्स्ट सेशन से इंशाल्लाह प्रॉपर आगाज़ होगा इसका। तो कोई अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से कि किस तरह से होगी क्लासेस, क्या होगी, तो वो कर ले। हाथ
वैसे तो मसला काफी यही पेरेंट्स आए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बच्चे होंगे। कितने वालिदैन ऐसे हैं जिनके तीन या उससे ज्यादा बच्चे हैं? माशाल्लाह। अच्छा, क्या आपके साथ ऐसा कभी मसला होता है कि आप अपने बच्चे को तैयारी करवाते हैं किसी सब्जेक्ट की, किसी भी मजामीन मजमून की, चाहे उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, मैथ हो, पर मार्क्स उनके थोड़े से कम आते हैं, वो नहीं आते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कभी ऐसा मसला होता है? ये वाली चीज़ ऐसी है जो कि बच्चे को कभी भी नब्बे मार्क्स लेने नहीं देती, या फिर आते भी हैं तो उसको शदीद मेहनत दरकार हो जाती है। एक चीज़ जो बच्चा पूरे साल पढ़ रहा है, टीचर होमवर्क दे रही है, टीचर क्लासवर्क करवा रही है, टीचर टेस्ट भी दे रही है, फिर उसके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फाइनल टेस्ट भी हो रहे हैं, उसके बावजूद 90% मार्क्स लेना या फिर उस सब्जेक्ट में एक्सेल करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक मसला मेरे साथ ही था। और मेरी वालदा, जब मैं पैदा हुआ तो उनको एजुकेशन में 10 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका था, तो उन्होंने अपना तमाम वक्त और तमाम फोकस सिर्फ उसी चीज़ पर लगा दिया कि मैं कुछ इस चावल बन जाऊँ कि आज कुछ लोगों को आज स्टेज पर खड़ा होकर अपने काम के बारे में बता सकूँ। ऐसा हो सकता है कि आप भी, आप में से भी ऐसे लोग हों जिनको 10 या कई ज़्यादा अर्सा हो चुका हो एजुकेशन में और जानते हो कि किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन आपके केस में कुछ डिफरेंट है। मेरी वालदा के पास सिर्फ मैं था, आपके पास माशाल्लाह से एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनका जब एक ही बच्चे में पूरा वक्त निकल गया, आपका तो बहुत ही ज़्यादा वक्त निकल गया। और अगर पढ़ाना इतना आसान होता तो टीचर्स का और असातिज़ा का रुतबा अल्लाह ने इतना आला नहीं रखा होता। तो अब इमेजिन करते हैं कि आपके बच्चे का एक दोस्त है, ऐसा दोस्त जो आपका भी दोस्त है, वो आपके बच्चे को बताता है कि देखो तुम्हारा ना परसों एक एग्जाम है, टेस्ट है, और तुम इस जगह पे वीक, इस जगह पे तुम्हारी कमजोरी है, इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में, अगर तुम इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ लोगे, इस तरह से पढ़ लोगे, बताकर बता दे कस्टमाइज में कि ये और ये पढ़ लो तो तुम्हारा कल का या परसों का एग्जाम बड़ा अच्छा हो जाएगा। और आपको भी इसी तरह से बताया कि देखो जो आपका बेटा है या बेटी है उसका परसों एग्जाम है और ये तरतीब है, इस तरतीब से पढ़ना है, वो तरतीब आपके बच्चे के हिसाब से बताए, इस हिसाब से नहीं कि पूरी क्लास को क्या पढ़ना, क्योंकि वो आपके बच्चे का दोस्त है, सबका दोस्त नहीं है। तो वही चीज़ जिसको करने में बच्चा बार बार भूल जाता है और हर थोड़े से बाद उसको फिर से शुरू से पूरा पढ़ना पड़ता है, वो चीज़ें साथ साथ लेकर चलेगा और उसकी तालीम, उसके ग्रेड्स, उसकी नॉलेज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा। इस दोस्त को हमारी जबान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेंट बोलते हैं और हम इसको तहरीर में दोस्त बोलते हैं। ये है तहरीर का सिस्टम। अब तहरीर का डिजिटल सिस्टम एक स्कूल के साथ, आईएफएस के साथ जुड़ गया है, जिसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से आपके हर बच्चे की इंडिविजुअल मेजरमेंट, उसकी हेल्थ की, उसके सब्जेक्ट्स की, हर टॉपिक वाइज, ये नहीं कि मैथ में 80 मार्क्स आए हुए हैं या फिर इंग्लिश में टीचर ने ग्रुप दे दिया या फेयर दे दिया, नहीं, एग्जैक्टली कहाँ पे वो अच्छा है, कहाँ पे उसके पास कोई कमी है, हर पेरेंट को बताएगा, हर रोज बताएगा। अब आपको पीटीए का या पेरेंट्स टीचर मीटिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा, वो हर वक्त आपके पास आपके मोबाइल में उसी तरह से होगा जिस तरह से आज अभी आप घर गए हैं तो इलेक्शंस का आपको वसी बजानी वगैरह बता देंगे ना कि हाफिज नहीं साहब के इतने चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं, उसी तरह से आपके बच्चों के लिए अब तमाम मजामीन में क्या चीज़ चल रही है वो रन टाइम पे देख के आपको बता रहा होगा कि भाई इसके कितने चांसेस हैं कि ये इंशाल्लाह 9th में जो बोर्ड एग्जाम देने वाला है उसमें ये 80% देगा। पर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन है,
अब हमारे रसीद बता दानी साहब वापस जाएंगे आपके पीटीए का पीटीआई का ये बता देंगे कि भाई के इतने परसेंट चांस है जीतने के, पर वो ये नहीं बता सकते कि क्या करें कि यही चांस उनके बढ़ जाए। हमारे केस में हम ये बताएंगे कि सोच कर ले बच्चे के इस पर जो इल्म चल उसका इल्म है जो उसको मेजर किया गया है उसके हिसाब से उसके 70 मार्क्स देने के चांस है। फिर हम उसको ये बताएंगे कि वो किस तरीके से पढ़ ले किस तरतीब पर पढ़ ले तो वही चांस 70 से 75 कर सकते हैं, पूरे 4 से 5 मार्क्स बढ़ाते हैं वो अपना ग्रेड बढ़ा सकता है, वो अपनी अपना जी परसेंटेज बढ़ा सकता है। इस थोड़ी सी कोशिश का नाम तहरीर है कि अब बच्चा जो है वो तालीम में पीछे नहीं रहेगा बल्कि तालीम को टेलर करेंगे इस तरह से कि वो बच्चे के हिसाब से। तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। बाकी जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे सामने सवालात का तो वक्त मैंने नहीं छोड़ा है यहाँ से, तो कोई भी आपके पास कन्फ्यूजन हो आप मुझसे आके वन टू वन बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं हमारे इदारे के प्रिंसिपल जनाब मोहतरम सर यूनुस कादरी साहब को स्टेज पर आने की दावत देना चाहूंगी। सर के लिए एक शेर अर्ज है, घर पहुंचना है मंजिल कर जहते मुसलसल, घर पहुंचना है मंजिल कर जहते मुसलसल, मीरास में किसी के तारे सारे बैठे हुए। सर के लिए बहुत ज्यादा जोरदार तालियां भी इस सर माशाल्लाह डायनेमिक पर्सनैलिटी हमारे काबिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने हम सबको पैदा किया, हम सबको बनाया और आज ये तखलीकें अल्लाह की काविशें इन बच्चों की सूरत में हमारे सामने हैं। हमारे असाज़ा इकराम इनकी मेहनतें, वालदैन की कोशिशें, काविशें और सही सन की तरफ जो करना आगे बढ़ना ये तमाम का तमाम एक जिंदा कौमों की निशानियां होती हैं। जिंदा कौमें सिर्फ एहतजाज नहीं करती, सिर्फ कंप्लेन नहीं करती, बल्कि वो उन्हीं हालात में रहते हुए उसका मुकाबला करते हुए आगे की तरफ रवा और तबाह हो जाती हैं और तमाम मुश्किलों को पार करते हुए आखिर में अपनी मंजिल को हासिल कर लेती हैं। हमारी मंजिल तो वैसे भी इस दुनिया के अंदर कठिन रास्तों से गुजर कर ही है, ये रास्ता जो हमें आखिरत की तरफ ले जाता है ये कोई सादा और सीधा रास्ता नहीं है, ये वो कठिन रास्ता है जिस पे चलकर इस दौर के अंदर दौरे फितन के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। मगर अगर ये कदम हमारे अकेले चले तो उस पार नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक के हम अपने कदमों के साथ दीगर लोगों को भी साथ लेके नहीं चलेंगे। ये कोई मजहब दीन इनफरादी मजहब नहीं है कि मैं 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लूँ, इबादत कर लूँ, तहज्जुद पढ़ लूँ, सिर्फ ये मेरे काम आएगा। मेरी औलाद अगर बेराह हो गई, बेराह
और बेरादबी का शिकार हो गई, मेरा पड़ोसी जो है वो भूखा सो गया और मेरी आने वाली नस्लें कुफर की तरफ रागिब हो गई, तो सब सवाल क़यामत वाले दिन मुझसे किया जाएगा, तुमने इसके लिए क्या कोशिश की, तुमने अपने मसाइल में रहते हुए क्या किया, क्या तुमने अपने घर को दुरुस्त किया, क्या आप तुमने अपने इदारों को दुरुस्त किया, क्या उनको दीन की तरफ रागिब किया कि नहीं रागिब किया। दुनिया तो इनाम है, दुनिया तो मिलती ही चली जाती है, जब असल चीज़ आखरत है, आखरत हासिल हो गई तो दुनिया तो इनाम के तौर पे सहाबा को पूरी दुनिया तस्वीर करके अल्लाह ताला ने दिखा दी, पूरी दुनिया उनके पैरों पे गिर गई और वो तमाम की तमाम दुनिया के अंदर उनकी बादशाहतें उनकी हाकिमियत कायम हो गई, ये अल्लाह ताला ने करके दिखाया और आज भी करके दिखाएंगे। अब मैं असली तरफ आता हूँ कि जो कुछ मकसद इस इदारे का है वो है रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। हमने कामयाबी इस दुनिया के अंदर भी हासिल करनी है और आखिरत के अंदर भी। हसना वो कामयाबी होती है कि हम दुनिया की कामयाबी इस तरीके से हासिल करें कि उसके नतीजे के अंदर आखिरत भी हमें मिल जाए, वरना दुनिया की कामयाबी अगर हमने इस तरीके से हासिल की कि हमें आखरत नहीं मिली, जैसे कि तमाम के तमाम स्किट्स जो हमने पेश किए उसका मौजू यही था कि दुनिया के अंदर कामयाबी असल में असल नहीं है, असल कामयाबी आखरत के अंदर है और दुनिया के अंदर यही सफ़र करना है। दुनिया के अंदर चीज़ें तब्दील हो रही हैं, हमारे दौर के अंदर जो चीज़ें थीं वो आज नहीं हैं, आपके दौर के अंदर जो चीज़ें थी वो आज नहीं हैं, आज जो चीज़ें हैं वो चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। मैं इन बच्चों का इस सब के सब हमारे स्कूलों से और हमारे साथ के बच्चे हैं और यहीं से फारिग तहसील और दीगर इस्लामी स्कूलों से फारिग तहसील हुए हैं, आज ये इंजीनियर बन गए, इंजीनियर साहब अरसद साहब हैं, इंजीनियर अहमद साहब हैं, इंजीनियर जो है हसान साहब है, हसान तो इधर से पढ़ा, ये सब के सब इंजीनियर बन गए, कल ये हमारे साथ हमारे हाथों में, मगर इसके साथ इन्होंने कुरान की तालीम भी हासिल करी, इसके साथ इन्होंने दीन के की आगाही भी हासिल करी, इस तरीके से दुनिया के अंदर भी इंजीनियर बनकर हमारे स्कूलों से ही निकलकर आज ये दुनिया की मेराज जो हमारी उस तसव्वुर की जाती है उस तक पहुँच गए हैं और अब ये कामयाबी के झंडे आगे की तरफ गाड़ेंगे। इन्होंने और हमने मिलकर ये सोचा है कि हम नए दौर के हिसाब से अपनी तालीम को आरास्ता करें, पुराने दौर के लिहाज से तालीम नहीं चलेगी और ना ही चलती है, अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है, अब नया सिस्टम जारी हो गया है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अरसद साहब यानी कि वे ऑफ टीचिंग के अंदर डिफरेंट हो जाएगी, इस तरीके से हम आपको कॉल करेंगे कि आपको जो कुछ एक्सपर्टीज है वो भी मेरा सिखाएं, बच्चियों को जो चीज़ें जरूरत है कुछ पेरेंट्स को ज़्यादा आती वो भी आके हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करें। ये दुनिया भर में होता है कि कोऑर्डिनेशन के साथ ही कम्युनिटी बनती है और कम्युनिटी की कॉस्ट फिर बहुत बड़ी नहीं आती, आपको हर चीज़ के लिए कोई प्रोफेशनल लगना नहीं पड़ता, बल्कि हम कम से कम मिनिमम कॉस्ट के अंदर ये करवा लेंगे। मैं फिर तमाम असाज़ाए ग्राम को, वालदाने ग्रामी को, हमारे जितने भी शोबे के लोग हैं, ये मेड्स आमना थी, ये सब यहाँ पे माशाल्लाह इंचार्ज हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, रिजवान साहब हैं इनसे तो आप वाकिफ़ भी हैं, और क्या कहते हैं अमरीन हैं इनसे तो जो वाकिफ़ नहीं होगा उसके लिए मुश्किल हो जाती है, तो इनसे वाकिफ़ है सबसे ज़रूरी है, और क्या नाम है मैं नाम भूल जाता हूँ, हैं हाँ राबिया बौरी है, तो माशाल्लाह और दीगर असाज़ाए किराम हैं, हमारी बुआएं हैं, उन्होंने बताया लेना हो तो कल स्कूल आप भी नहीं आ सकते, मैं भी नहीं आ सकता क्योंकि सफाई इनके बगैर, और अगर चौकीदार ना हो तो जाहिर से बात है कोई भी अंदर घुस सकता है, इन सब की मेहरबानी, इन सब की काविशें, इन सब की आमिर जो ये सब कुछ इन्होंने लगाया है माशाल्लाह, तो बाकी नाम मैं भूल जाता हूँ बहुत सारे, इन सब के लिए माशाल्लाह दुआ करूँ अल्लाह ताला इन सबको इस काम के चाहे हालात कैसे भी हो जाए, इसलिए मैं सारा डिजिटलाइज सारी चीज़ें कर रहा हूँ कि कल के रात को स्कूल बंद हो जाए, कल के रात को सारी चीज़ें बंद हो जाए तो आपके पास सारा रिकॉर्ड हम आपको
भी तैयार करनी है वो भी आपको देंगे, अरसद साहब आपको सारी चीज़ें पहुँचाएंगे, तो हम सारी चीज़ें आपको पहुँचाएंगे। अगर स्कूल बंद भी हो जाते हैं तो इंशाल्लाह तालीम का सिलसिला हमारे यहाँ से बंद नहीं होगा, हम वो तरीके इख्तियार करेंगे जिसके ज़रिए तमाम लोगों की वो काबिशें और कोशिशें इंशाल्लाह अकाल हो जाएगी। वाखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।